जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर वफीयत से होंगे जी। मेरा नाम अरूब हुसैन है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम व्लॉग ऑन द स्ट्रीट है जी। अरे दोस्तों, आज काफ़ी शाम हो गई है, मगरब का मैक्सिमम टाइम हो गया। आज पूरा दिन इसलिए नहीं मैं व्लॉग बना सका, गाँव में फौजगी हो गई थी तो उधर चला गया था, तो गाँव में अच्छा नहीं समझाता था। फौजगी हुई हो तो हम कैमरा खोल के बैठे हों जी, अपना व्लॉग वगैरह बना रहे हों, बिल्कुल कतन अच्छा नहीं लगता। तो अभी घर आया हूँ फौतकी से वापस, तो देखा है जरियाब भी नहीं है घर जी। तो पता चला है जरियाब क्रिकेट खेलने गया हुआ है दोस्तों के साथ, तो इंशाल्लाह आए चलते हैं उसके साथ बातचीत करते हैं और उसको घर लेके आते हैं जी। जी तो फाइनली दोस्तों मैं कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था, मतलब जरियाब को ढूंढने, उधर कब्रिस्तान के साथ ही एक ग्राउंड है तो उधर ये खेल रहे थे जी। तो अब आया हूँ तो आगे जा रहा हूँ तो जरियाब आ रहा है जी दोस्तों के साथ। आओ जी जरियाब साहब, चेक करें जी दरियाब आ रहा है, क्या हाल है जी। अस्सलाम वालेकुम दरियाब साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, क्या हाल है, ठीक हो। आ जाओ जी फिर दोबारा जाना है तो आ जाओ। आए जी चलते हैं ग्राउंड की तरफ, आपको भी लेके चलते हैं, बच्चे उधर खेल रहे हैं, मार भी खेल रहा होगा, तो आए चलते हैं सामने कब्रिस्तान जी। जी तो दोस्तों मैं ग्राउंड की तरफ पहुँच गया था जी, बच्चे क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, दरियाब भी आया। अस्सलाम वालेकुम दरियाब साहब, ठीक हो। हाँ जी अहमद साहब, तो अभी वालदा कब्र पे दुआ वगैरह मांगते हैं फिर आगे ग्राउंड की तरफ चलते हैं जी। जी तो दोस्तों आप दुआ वगैरह मांग लिया है तो दुआ मांगते टाइम वीडियो नहीं बनाते फिर, तो अभी दुआ वगैरह मांग लिया तो अब आगे बड़ों की क्रिकेट लड़के खेल रहे हैं तो उधर ग्राउंड में चलते हैं जी, तो उधर आपको आप लेके साथ। तो फाइनली दोस्तों आप ग्राउंड में पहुँच गया था, तो लेकिन इधर आया हूँ देखा जी लड़के नहीं क्रिकेट खेल रहे, पूछा क्यों जी, तो बोल रहे हैं जी बैट तो है, लड़के सारे बैठे हुए हैं जी, वो बैट पड़ा हुआ है, लेकिन वजह ये है जी बाल ही नहीं है इनके पास, जो लड़का जिस लड़के के पास बाल थी वो आई नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान भाई, वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है जी। ठीक ठाक। अच्छा क्यों नहीं क्रिकेट खेल रहे, बाल ही नहीं है जी। ऐसे तो नहीं है। अच्छा तो कौन धोखा दे गया जी। जी तो दोस्तों ग्राउंड से मैं वापस आ गया था, तो अब जा रहा हूँ जी दूध लेने, तो साथ फिदी भाई है। हाँ जी फिदी साहब सुनाओ, मजा आये उस दिन व्लॉग तक का कोई नहीं, उच्चा बोलो ना, मजा आए। अरे सिद्धि भाई बोल रहे हैं जी मजा आया उस दिन का व्लॉग देखे, तो आप चलते हैं आके दूध लेने। ओए जरा भी पीछे है जी। दोस्तों आप दूध वगैरह ले लिया है, बाहर खड़े जी हमारे सिद्धि भाई भी, तो आप चलते हैं घर की तरफ, खाना वगैरह खाते हैं, देखते हैं क्या बना हुआ है खाने में, तो उम्मीद करता हूँ कि कोई अच्छी चीज बनी हो। जी तो दोस्तों आप दूध लेके मैं घर आ गया था, तो अब बस और सब घर वालों ने खाना खा लिया, मैं थोड़ा लेट हो गया था तो अब बस ये खाना खाने लगा हूँ जी, बिनिया है और साथ रोटी है जी, तो चले अब खाना खाते हैं, तो इंशाल्लाह काफी ज्यादा टाइम हो गया है तो कल मिलते हैं। The next day, the next day. जी तो दोस्तों कल फाइनली पूरा व्लॉग नहीं बन सका, शाम हो गई थी, आपको रीजन बताई थी फौतकी की वजह से, तो अब उठा हूँ जी, सुबह हो गया, नाश्ता वगैरह कर लिया है, तो दोपहर की बल्कि टाइम है 12 हो गए हैं, तो आप शॉप पे चलते हैं जी, घर वालों ने बोला कुछ सामान ले आओ, तो आप शॉप पे जा रहा हूँ जी, चलते हैं कुछ सब्जी वगैरह देखते हैं क्या जो भी कुछ होगा लेंगे जी। तो फाइनली दोस्तों अब मैं शॉप पे पहुँच गया हूँ जी, आए सामान वगैरह लेते हैं, बैठे हूँ। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, क्या हाल है, दुकान पे आए हो। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, सुनाओ क्या हाल चाल है, ठीक हो, कदों छुट्टी आए हो जनाब। अरे माशाल्लाह क्या बात है जी। हाँ जी शी मयूर साहब, क्या हाल है, ठीक हो, जय शुक्र, के तक रही हो सरकार। अच्छा के को सब्जी सब्जी पे ही है, सब्जी बस और फ्रेश आ रही है, फ्रेश। अच्छा मैंने की दे दियो, सुर्ख लोबिया, सुर्ख लोबिया दे दियो, सुर्ख लोबिया दे दियो जी। चलो दोस्तों है सुर्ख लोबिया लेने हैं, कोई है खीरे ला लें जी, एक कर दियो, एक कितने जी, अदा किलो। जी तो फाइनली दोस्तों गर्मी अब काफी ज्यादा है, तो संगीत काल आ गई है, वो दूसरे मकानों के बाहर खड़े हैं, तो पानी वगैरह पीता हूँ, पानी पीते हैं तो इंशाल्लाह फिर चलते हैं जी। जज़ाकअल्लाह, चलो आए जी चलते हैं, ग्लास को रखते हैं इधर, चाबियां उठाते हैं, चलें जी। अच्छा दुकान से फ्री हो गया था, तो ये सुर्ख लोबिया लिया है, धनिया वगैरह लिया है, तो अब घर चलते हैं जी, देते हैं घर, क्योंकि पीछे अभी आपको सही मेरा फेस भी नहीं नज़र आ रहा क्योंकि सूरज है, तो घर भी पहुंच गया हूँ जी, अब इसको आपने मतलब जो सूरज आ रहा है इसको इग्नोर ही करना है। दोस्तों जी इन्होंने कॉल की थी, सुनने जी बर्फ़ ले आना, मैं बर्फ़ ले के आ गया हूँ जी,
खड़े हैं स्टूडेंट। ओए हो हो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम करो पहले। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, क्या हाल चाल है? ऊपर आलू दिखाई ना जी। आलू बड़े छुपा के रखे रहे सरकार। मैं नाश्ता करूंगा, मैं नाश्ता नहीं करके। अच्छा, ये छुपा के रखो जनाब। छुपा के नहीं भाई जी, जगह ताला त्रोड़ है। अच्छा हेलो, चाबियां किनो? चाबियां दरवाजा खोलो सरकार। ओ जनाब तुसी सुनाओ, फिट वार्ड अपने सुनाओ। शुक्र है, वहां पूछनी है। कौन आवने आजकल ज्यादा व्लॉग विचो? येरा बस आप सर ऑन करनिया भी हो क्या ना। अच्छा, तुसी फोन करो तो सब पहुंच जाएगा। अच्छा हाजिर हो जी। ठीक है जनाब, बर्फ आई है, दफ्तर खुल गया सरकार। अंदर चलने आ रहे, तुसा मैं गप शप फिर लाने हैं जी। आ जाओ जी। जी तो दोस्तों, आप फाइनली हम ग्राउंड में पहुंच चुके हैं जी। मैं हूँ हसन है और अरून है। कल आपको लेके आया था इधर ग्राउंड में, आया था मैं तो, लड़कों ने क्रिकेट वगैरह नहीं खेला तो आज खेलेंगे जी लड़के। अभी तो कोई भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रूम साहब। वालेकुम अस्सलाम। ओ इदी ने चन बने सरकार, किथे गायब हो गए सो? गए सा मेले ते। केड़ा मेला जी? मेला चामरा श्री। चामरा शरीफ जी। ओ केड़े पासे वे? ओ चकवालू अगे। अच्छा, तो गिफ्ट शिफ्ट आंदे कोनी जी? असन साहब क्यों जी, क्या हाल है वाला? गिफ्ट शिफ्ट पूछो सुनान दस कोनी। गिफ्ट देसा ने था छावा ता और छावा आज जी। ₹150 देगा अहे दोस्तों, हुण लड़के आ गए ते इंशाल्लाह क्रिकेट खेलने आ, तुसां टिकाणे आ जी अपनी गेम। हो जी अरुणिया पुत्रा, छक्का मारी। ये देखें दोस्तों, काफी शाम का टाइम हो गया तो लड़के क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, मगरब के जाने भी हो रही हैं जी। अच्छा जी दोस्तों, अभी हम क्रिकेट पे बैठे हुए थे तो मगरब का टाइम हो गया तो सुन को एक बात याद आ गई है जी, तो इसी के मुंह से सुनते हैं क्या बात है। यहाँ जी हसन साहब। अच्छा जी, गल ये है कि अरूप भाई ने शर्त लगी सी। अच्छा, एक 15 दिन हो गए अरुण भाई, 15 दिन हो गया जी। हाँ जी, 2 किलो वजन इसने वेट जो ना बढ़ाना था, गेन करना था। ओह माय गॉड, बढ़ाना सी जो ते 15 दिन क्या बढ़ाना सी? शर्त लगी इसने, कहा था ना कि मैं बढ़ाऊंगा तो ना बढ़ा तो आपको मैं 2 लार्ज पिज्जा खिलाऊंगा। अच्छा, ये शर्त लगी बढ़ जाए, क्या कहते हैं, आपका ना बढ़ा तो 53 किलो वजन बढ़ाना सी ना, 2 किलो 2 किलो वजन बढ़ाना सी, 1 किलो 2 किलो 2 किलो फिर 15 तारीख खाई इस महीने नहीं, जेडी 15 तारीख है इस महीने 15 तारीख गड़ी है। अच्छा, फिर तो जाना सा ऐप ए वजन है जी, असन रूम साहब टिकाओ ने ना, कितना नजर आ मांगा कोनी, 53 किलो है ना, 53 किलो। अच्छा असन साहब, 53 किलो 53 किलो तो अगर 2 किलो वदिया तो मैं खिलाऊं था। अच्छा, 2 किलो मुर्गी जनाब, इस दफा माफी मिलनी चाहिए। जनाब मैं रात दिहाड़ बाहर रहा वा, व्लॉगिंग करना रहा वा, रोटी भी कोनी खादी ना दिहाड़ी ना रातियां दोस्तां की पता कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब।
ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਸੁਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਵਧਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਕੋਣ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਇਹ ਵਧਾ ਸਾ ਵਾਲੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਹੈ ਵੈਪ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੋ ਕਿਉਂ ਮੱਖਣ ਯਮਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵਧਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲ ਝੂਠਾ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ 15 ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਿਓ ਨਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਅੱਜ 5-6 ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੋ ਵੀ 6 ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਦੋਸਤੋ ਫਾਈਨਲੀ ਹਮ ਘਰ ਆ ਗਏ ਥੇ ਜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੇ ਤੋ ਅਬ ਯੇ ਜੀ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਅਰੂਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਜੀ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਉਨਕੇ ਲਈ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਨਾਬ ਆਪ ਸੁਣਾਏ ਕੈਸੇ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪ ਕਿੱਧਰ ਹੋਤੇ ਹੈ ਜੇਲਮ ਯਾਰ ਹੋਤਾ ਹੂੰ ਉਸਤਾ ਜੀ ਪਰ ਚਾ ਕੀ ਹੈ ਖਾਇਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਨ ਦੋਸਤ ਕੈਸਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸਾ ਹੈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਜੇ ਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅਬ ਟਰਾਈ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹਿਮ कितना वाटर मेलन पड़ा हुआ भाई हमारे खा ही नहीं रहे क्यों नहीं खा रहे जी ऊंचा बोले डॉक्टर ने मना किया हुआ इनको दिल नहीं है तक आ चलो सर जी मजे यही मार को भी आज घर वालों ने कांटा दिया हुआ है मजा आ रहा है आज चलो आओ ना जी गर्मियों की बहार है अच्छा जिस्म की ठंडक है बहुत कुछ है अच्छा अरुण साहब तुसां की दसो पैसे ला की आज लगा मजा आया बहुत मजा आया अच्छा तुसां मुट्ठी पाई जान तुसी दसो ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ ਰੂਪ ਭਾਈ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਖਾਇਆ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਸਲਾਉਂ ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਕੀ ਸਲਾਈਏ ਬਸ ਖਾਗ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤੱਕੋ ਜੀ ਇਹ ਰੂਨ ਨੇ ਕੰਮ ਤੱਕੋ ਇਹ ਥੱਲੇ ਸੱਟੇ ਉਹ ਯਾਰ ਬਾਅਦ ਖਾਗ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਅੱਛਾ ਕਿੱਥਾਂ ਆਣੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਸਾਂ ਜਨਾਬ ਜੇਲਮ ਹੋਤਾ ਹੂੰ ਆਪ ਸੁਣਾਓ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਜਨਾਬ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੇਲਮ ਹੋਣਾ ਜੀ ਜੇਲਮ ਹੋਣੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬੋਲੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜ ਵਕਤੀ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਅੱਛਾ ਨਮਾਜ਼ ਐਸਾ ਸੁਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਣਾਸੂ ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਜ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਕੋ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਪਨੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲਈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼